आप देख रहे हैं सियासत। रूस और यूक्रेन की जंग में हजारों इंडियन स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिनके लिए लगातार रेस्क्यू मिशन जारी है। यूक्रेन बॉर्डर के देशों में भारत के 4 केंद्रीय मंत्री स्टूडेंट को सुरक्षित निकालने के लिए सीमा के करीब मौजूद हैं। वहीं इन मंत्रियों में वीके सिंह भी शामिल हैं। वीके सिंह एक ऐसा नाम जिन्होंने सियासत से पहले इंडियन आर्मी में भी अपनी काबिलियत से अपना लोहा मनवाया है। नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं मृदुभाषी की खास पेशकश सियासत, जिसमें आज हम बात करेंगे वीके सिंह से जुड़े ऐसे किस्सों के बारे में जो काफी कम लोगों को पता है। मई 1951 में हरियाणा में भिवानी जिले के बापोरा गांव में विजय कुमार सिंह यानी वीके सिंह का जन्म हुआ। उनके दादा और पिताजी दोनों इंडियन आर्मी में कर्नल थे। वीके सिंह ने 17 जून 1970 के दिन भारतीय सेना के राजपूत रेजिमेंट की 2री बटालियन में दाखिला लिया था। तब यह बटालियन पाकिस्तान से जुड़ी सीमा नियंत्रण पर तैनात थी। वीके सिंह ने डिफेंस सर्विसेज कॉलेज से आर्मी की ट्रेनिंग प्राप्त की थी। वीके सिंह का वह रेंजर्स स्नातक कोर्स था। बांग्लादेश से लड़ाई की कार्रवाई में जनरल वीके सिंह ने भाग लिया था। एनकाउंटर इमरजेंसी फोर्स को कमांड करने के समय के लिए वीके सिंह को आर्मी की ओर से AVSM मेडल दिया गया था। 31 मार्च 2010 को जनरल वीके सिंह को भारत देश का सेना प्रमुख बनाया गया था। अन्ना आंदोलन में वीके सिंह ने अपना योगदान दिया था, क्योंकि वीके सिंह रिटायरमेंट लेने के बाद प्रजा कल्याण का कार्य करना चाहते थे। 1 मार्च 1914 को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया और गाजियाबाद से लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद और केंद्र सरकार के राज्य मंत्री बने। पूर्व सेना नायक जनरल वीके सिंह ने एक राजनीतिक मीटिंग में कहा था कि 1984 के वर्ष में स्वर्ण मंदिर पर हुए आतंकी हमलों के आतंकवादियों के साफ करने के लिए सरकार ने जो ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाने का फैसला लिया था, वह फैसला जल्दबाजी में लिया गया राजनीतिक निर्णय था। बता दें कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के वक्त वीके सिंह मेजर की पदवी पर तैनात थे। वीके सिंह ने अपनी किताब में चीन के बारे में लिखा था कि चीन देश भले ही अपने आप को चालबाज समझता हो, मगर सच तो यह है कि भारत के सामने चीन की चाल हमेशा नाकामयाब ही रहती है। भारत देश की चीन बॉर्डर पर चीन आंखें रखे बैठा है और घुसपैठ की कोशिश हमेशा करता रहता है, तो भारत देश की सेना भी आज उससे आंख लाल करके खड़ा है। 1967 के युद्ध के बाद से भारत युद्ध करने की पूरी तैयारी कर चुका है। आजाद भारत के 26वें थल सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह की सबसे बड़ी ताकत और खासियत उनकी ईमानदारी को बताया जाता है। पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह को सेना के वाहनों की खरीदी के लिए 14 करोड़ की घूस देने की ऑफर हुई थी, लेकिन उन्होंने इसे ईमान को बेचने से इनकार कर दिया। यही नहीं, भारतीय वायुसेना में पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह पर 126 लड़ाकू विमानों को खरीदने के लिए गड़बड़ी का आरोप लगा था। 2019 में वीके सिंह दूसरी बार गाजियाबाद लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बने और भारत देश की सेवा में अभी भी कार्यरत हैं। खैर, अभी के लिए इतना ही। अन्य सियासी किस्सों और घटनाओं के लिए देखते रहिए सियासत। आप देख रहे हैं सियासत।